हेलो फ्रेंड, नव्या रुद्रांश चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है चना मसाला। इसके लिए हम चना ले लिए हैं 300 ग्राम, अब वो भी इसको फुला लिए हैं, और 3 प्याज। चलिए प्याज को हम लोग कट कर लेते हैं। प्याज को हमने काट लिया है, आप इसको मीडियम साइज में काट लीजिए, किसी भी तरीके से काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ौरन लिख के लिए हमने सूखी मिर्च ली है, थोड़ा सा जीरा लिया है। इस रेसिपी को हम कुकर में बनाएंगे, बहुत इजी रेसिपी है, तुरंत बनेगी और बहुत टेस्टी बनता है। चलिए अब कुकर में इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। कुकर गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग चाहे देंगे मस्टर्ड ऑयल। कम से कम 50-100 ग्राम मस्टर्ड, 100 ग्राम तक मस्टर्ड ऑयल देंगे। मस्टर्ड ऑयल में चना मसाला बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा, ये मसालेदार बनेगी, आपको अच्छा लगेगा। तेल गरम हो गया है, अब इसको फ़ौरन में हम तेज़पत्ता, जीरा और सूखी मिर्च ली है। चलिए अब इसको हम डाल देते हैं। फ़ौरन हो गया है, अब हम इसको प्याज डाल देंगे। ये 3 प्याज है जो हमने कट कर लिया है मीडियम साइज में, तो इसको अब डाल दें। थोड़ी देर इसको सॉटे कर लेंगे, थोड़ा सा इसका ब्राउन रंग आ जाए, तो कलर आने तक इसको तेज आंच पे तो फ्राई करेंगे। जब तक इधर प्याज भूंज रहा है तब तक हम लोग मसाला निकाल लेते हैं। 2 बड़े चम्मच लहसुन, 1 चम्मच छोटी चम्मच, 1.5 चम्मच हम लोग मिर्च लिए हैं, हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच और 1/2 चम्मच मिर्च, गोल मिर्च, उसके बाद धनिया 2 चम्मच भर के। हमारा प्याज लगभग होने को है, इसको अच्छा सा और घुमा लेंगे कि कहीं पर चट ना जाए। इसमें थोड़ा पानी डाल दिए हैं, इसको फूलने के लिए कुछ देर, 1-2 मिनट छोड़ देंगे, आराम से ये मसाला एक दूसरे से मिक्स हो जाएगा और टेस्ट सबका आएगा मिलके इसमें। ये देखिए मसाला भी बहुत अच्छा बना है। प्याज हमारा हो गया है, अब इसमें मसाले जो हमने फूलने के लिए दिए थे उसको डाल देते हैं। बस पानी और डालेंगे और ये सब मसाला गया कुकर में। ये देखिए बहुत इजी रेसिपी है, तुरंत बनती है और बहुत टेस्टी लगता है, मसालेदार बनेगी, हल्की सी ग्रेवी पड़ती है, इसीलिए इसको चना मसाला भी बोलते हैं। घर में बनाइए, कुकर में सबसे आसान तरीके से बनेगी। अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा सोटे हो जाए तब इसमें नमक डाल देंगे। अब नमक डाल देते हैं, थोड़ा सा भून गया है, नमक 2 चम्मच डाल देंगे, चम्मच का साइज़ देख लीजिए, ये साइज़ है। थोड़ा सा बीच बीच में चलाते रहिएगा, हल्का सड़ जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के चला लीजिएगा। देखिए मसाले हमारे कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गए। और ये हल्के पक गए हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मसाले से तेल निकल भी रहा है। थोड़ी देर और पका लेंगे, उसके बाद इसको हम इसमें चना डालेंगे और थोड़ा उसको भी भून लेंगे 5 मिनट तक,
अच्छे से भूनने के बाद फिर इसमें हल्की सी पानी डाल के इसको मसाला बना लिया जाएगा। देखिए मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुंजा गया है। अब इसमें हम चना डाल देंगे। चना को भी थोड़ा 5 मिनट भून लेंगे अच्छी तरीके से, उसके बाद इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डालेंगे। चलिए पहले इसमें चना डाल लेते हैं। अब इसमें हम चना डाल दे रहे हैं, 300 ग्राम तक चना डालेंगे। चना डल गया है, अब इसको हम धीरे धीरे मिला लेते हैं। ये देखिए अच्छे से मसाले से मिक्स करके इसको, ये मिक्स हो गया है। अब इसको थोड़ा तेज आंच में भून लेंगे। देखिए मसाला कितनी अच्छी तरीके से बना है, शानदार मसाला बन गई है। इसको तेज आंच में भून ले रहे हैं। चलिए 5 मिनट भूनने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए चना भुंजा गया है, अच्छा मसालेदार हो गई है। चाहे तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं, और नहीं तो इसको थोड़ा मसाला बनाने के लिए हल्की सी पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा पानी दे देंगे, मिक्स कर दें। चलो अब थोड़ा पानी मिक्स कर लेता हूँ। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है। अब इसको 2 सीटी आने तक इसको इसको ढक्कन लगा देंगे। अब देखिए इसका हम ढक्कन लगा रहे हैं। ये हमारा घुगनी चना मसाला तैयार हो गया है। देखिए अब इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं।